मणिपुर से सामने आई बम धमाके की हिंसक घटना। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले शनिवार रात चुराचांदपुर जिले के गंगपी मुअल गांव के एक घर में बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक बच्चे सहित कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बम विस्फोट के कारण बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 साल के मांग मिनलाल और 22 साल के लैंगिन सांग ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली से पहले भी मणिपुर में बम धमाका किया गया था। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक ने मणिपुर बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। संगठन ने दावा किया था कि यह विस्फोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर किया गया है। मणिपुर के काकचिंग जिले में रविवार शाम को हुए बम विस्फोट में चुनाव ड्यूटी पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 जवान घायल हो गए थे। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, हालांकि बाद में मतदान की तारीखों में बदलाव किया गया। मणिपुर की 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। ऐसे चुनावी माहौल में इस प्रकार की हिंसक घटना शोचनीय है।